हू मूव माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया, इसके ऊपर मैं आज एक आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हू मूव माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया, यह डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, इनका किताब दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हुआ। उसकी 26 मिलियन प्रतियां बिकी गई और 36 भाषाओं में वो प्रिंट हुआ था। करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए। और लॉकडाउन के ये जमाने में, जब हम अभी बाहर आ रहे हैं लॉकडाउन के, तो ये किताब बहुत एप्ट है, मतलब अप्रोप्रिएट है कि जिसकी हम चर्चा भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह किताब में डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने बताया कि भाई चेंज जो है वो इनएविटेबल है, चेंज होना ही है, और हम कभी चेंज के लिए तैयार नहीं रहते। चेंज ये अटल है, और जब हम चेंज के लिए तैयार नहीं रहते और वो एकदम चेंज आ जाता है, तो फिर वहाँ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है। उन्होंने ये किताब में दो चूहे, स्निफ एंड स्करी नाम के, स्निफ और स्करी नाम के दो चूहे, और हेम एंड हॉ नाम के दो आदमी, जो चूहे इतने थे छोटे, ऐसे चार व्यक्ति रेखा के बारे में बात की है। ये चारों लोग एक भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने जाते हैं और उनको चीज़ मिलता है वहाँ, तो फिर चीज़ मिलता है वहाँ, चीज़ वो खाते हैं, बाद में क्या होता है। तो ये जो किताब में जो लिखा है वो हमको हमारे लाइफ से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसा मेज़, उन्होंने बताया कि मेज़ है मतलब भूल भुलैया है, तो हमारे लाइफ में कौन सा भूल भुलैया है, हमारे लाइफ में कहाँ हम फंसे हुए, कौन से भूल भुलैया में अटके हुए। जैसा हमारे लाइफ में भूल भुलैया हो सकता है हमारा जॉब, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारी फैमिली, हमारा सोशल कनेक्शन, हमारा पॉलिटिक्स, मतलब जहाँ भी मैं हूँ, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, वो भूल भुलैया, और उसके अंदर मुझे चाहिए क्या, वो है चीज़। उसके अंदर चाहिए मुझे पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी चाहिए उसके अंदर मुझे, जॉब में ट्रांसफ़र चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, जो भी चाहिए, जो चाहिए वो है चीज़। और वो चीज़ जो है वो हमको पाने के बाद में, वो मिलने के बाद में हम कैसे कंफर्ट जोन में जाते हैं और फिर कैसी आपत्ति आती है, ये हम यदि कनेक्ट करते हैं हमारा लाइफ और ये किताब में जो लिखा है वो, तो हमको बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं कि स्निफ एंड स्करी नाम के दो चूहे थे और हेम एंड हॉ ये दो आदमी थे। तो इनको अपना परिवार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो एक मेज़ के अंदर चीज़ ढूंढने के लिए गए। मेज़ मतलब भूल भुलैया है, उसके अंदर। तो ये जो स्निफ एंड स्करी थे, ये उनका सूंघने का जो पावर था बहुत बढ़िया था, वो सूंघते रहते थे, आगे आगे जाते थे और देखते थे चीज़ कहाँ मिल सकता है। हेम एंड हॉ उनकी बुद्धिमत्ता थी, आदमी थे, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उससे वो ढूंढते थे कि चीज़ कहाँ मिलेगा। और काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद में, घूमने के बाद में, दो चार दिन के बाद में उनको एक चीज़ स्टेशन, जहाँ बहुत बड़ा स्टॉक चीज़ का है, वो उनको मिल जाता है। और वो देख के बहुत ही वो खुशियाँ मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, और पेट भर के वो चीज़, वो दोनों हेम एंड हॉ आदमी, स्निफ एंड स्करी चूहे, वो खाते हैं, मस्त सोते हैं वहाँ। फिर अपने घर वापस आते हैं, फिर सुबह जाना, अभी उनको मालूम हो गया यहाँ चीज़ स्टेशन में है, तो चीज़ वहाँ जाना, चीज़ खाना, आराम करना, फिर आना, वापस जाना, सो जाना, फिर जाना, ऐसा मतलब मस्त उनकी ज़िंदगी चलने लगी, उनको जो चाहिए था वो मिल गया। जब वो ढूंढने निकले थे तो उनके पास में ट्रैकिंग सूट था, शूज़ थे जॉगिंग के लिए, वो उन्होंने वहाँ लटका दिया, अभी उसकी ज़रूरत नहीं, अभी तो अपने को बहुत सारा चीज़ मिल गया है। और वो आराम से फिर उठने लगे, आराम से जाने लगे, आराम से वहाँ जाना, खाना पीना, सोना करना, मतलब अभी मस्त उनको लगा कि अभी अपनी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। और स्निफ एंड स्करी जो थे, वो चूहे थे, वो वहाँ जाते थे, मगर उन्होंने अपना ट्रैकिंग सूट, अपने जूते, वो लटका के नहीं रखे उन्होंने, वो अपने साथ में ले जाते थे, रोज़ चीज़ खाते थे, रोज़ चीज़ को देखते थे क्या है कैसा नहीं, तो और बाद में घर जाते थे, मतलब वो एकदम अलर्ट थे। हेम एंड हॉ जो आदमी थे वो मस्त चुस्त हो गए थे, आराम की ज़िंदगी, लेजी हो गए। एक दिन क्या होगा, एक दिन जब ये वहाँ गए, हेम एंड हॉ, स्निफ एंड स्करी, सुबह सुबह जब वहाँ गए, तो वहाँ से चीज़ पूरा हटाया गया था।
वहां चीज ही नहीं था। जैसे स्निफ एंड स्करी, ये दोनों चूहों ने जब देखा कि यहाँ चीज नहीं है, तो दोनों को बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, उन्होंने ठीक है नहीं है तो और कहीं ढूंढेंगे, और करके उन्होंने अपना शूज पहन लिए, जॉगिंग सूट जो था वो पहन लिया, और वो ढूंढने मेज के अंदर, मेज बहुत बड़ा था, भूलभुलैया बहुत बड़ा था, वहां निकल गए। हेम एंड हॉम वहीं बैठे, बोले चीज कहाँ गया? तो हेम जो था वहां, हेम एंड हॉ, हेम एंड हॉ, इसमें का हेम, तो वो बोले कि मेरा चीज कहाँ गया, है ना, हु मूड माई चीज, चले कहाँ गया? वो वहीं बैठा रहा। दोनों भी आते जाते थे, बैठते थे, आना जाना, बैठना, राह देखना कि चीज आ जाएगा। उसमें फिर क्या किया हॉ ने, हॉ जो था उनमें का एक, वो ढूंढने निकला बाहर, और वो ढूंढने निकला तो काफी दिन ढूंढते ढूंढते कुछ मिलता था, कुछ ये करता था, ऐसा करते करते वो चीज स्टेशन एन पे पहुंच गया, जहां ये स्निफ एंड स्करी पहुंच गए थे पहले, और उसको वहां बहुत बड़ा चीज मिल गया। तो ये जो इसको हॉ को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हेम को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इतने दिन तक, उसका पूरा वर्णन ये किताब में है। और जब हॉ वो चीज ढूंढने के लिए घूम रहा था, दोबारा ये पहला खत्म हो गया था, दोबारा तो उसको क्या कठिनाइयां आई, उसको क्या इंसाइट्स मिली, उसको क्या समझ में आ गया, तो वो ये किताब में डिटेल में लिखा है। उसने जो दीवार पे लिखते गया हॉ, जब वो घूमता रहा उसको इंसाइट आती गई, दीवार पे लिखते गया वो इंसाइट्स को, तो वो जो है वो आपको मैं बताता हूँ, है ना। तो जैसा कुछ कुछ इंसाइट जो है वो ऐसी है, जब उनको चीज पहले मिला तो उन्होंने वहां इंसाइट में लिखा, आपके पास चीज है तो आप खुश रह सकते हो, चीज मिलेगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर जब हॉ ने हेम को बोला कि चलो अभी हम निकलते हैं, यहाँ चीज का खत्म हुआ है, अभी यहाँ चीज नहीं है, हम और ढूंढने निकलेंगे, तो हेम जाने को तैयार नहीं था, बोले ये कांड किसने किया, हम क्यों बदले, हमने तो ये चीज को हटाया नहीं, हमने तो बड़ी मेहनत से ये चीज को ढूंढ के निकाला है, अब हमारा चीज ला के दो, वो आ जाएगा, जरूर आएगा, हम नहीं यहां से जाएंगे, करके हम वहीं अटका रहा। हॉ ने ये भी लिखा कि हम कितने दिन तक वो चीज वापस आएगा इसकी राह देखते बैठे रहे, और हमने कितना पागलपन किया, डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी। वो क्या करते थे, जब चीज खत्म हो गया तब जाना आना जाना आना रोज करते थे, काफी दिन उन्होंने बिताया, जब जाके वहां चीज है नहीं और आप वही 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 चीज बार बार कर रहे हैं, वो मूर्खता है, नहीं नहीं चीज आएगा वो देखना ही मूर्खता है। तो वो उन्होंने एक इंसाइट लिखी। फिर और एक लिखा कि एक जब दरवाजा बंद हो जाता है तो वो बंद दरवाजे के सामने ही खड़े रह के हम चिल्लाते पुकारते रहते हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, जब बाजू में दूसरा दरवाजा खुला है वो हमको दिखाई भी देता नहीं है, वो दरवाजे से हम जा सकते हैं पर हमको दिखता भी नहीं है, क्योंकि हम ये दरवाजे के ऊपर चिपक के बैठे हुए हैं। फिर बाहर निकलना था चीज ढूंढने के लिए दोबारा, तो उसने इनसाइट में लिखा, आप कोई चीज से जितना डरते हो हकीकत में वह चीज उतनी डरावनी नहीं होती। चीज मतलब यहाँ वस्तु या फियर, डर, बाहर निकलने का डर। तो अपन इतना डरते हैं बाहर निकलने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, मगर एक बार बाहर निकल गए ना मालूम पड़ता है कि इतनी बाहर निकलना डरावना नहीं था, हम फालतू डर रहे थे। तो डरो मत, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं, तो डर को जीतना पड़ता है। डर ये इनऑथेंटिक है, इनऑथेंटिक फियर है, काल्पनिक डर रहता है हमको बाहर निकलने के लिए, हम जाते नहीं है, क्योंकि बाहर गए तो क्या होगा, कैसा होगा, बाहर क्यों जाने का है, अभी अपने जगह अपन छोड़ देंगे, बाहर चीज नहीं मिला तो, चीज नहीं होगा तो फिर अपने को भूखा रहना पड़ेगा, तो यहीं बैठ रहेंगे, कोई ना कोई ला के देंगे यहाँ। वहां उसने और लिखा कि पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है, हम पास को बहुत पकड़ के बैठे, पुरानी वस्तु पास उनको छोड़ना बहुत कठिन होता है, हम छोड़ते नहीं है पास को। तो जितने जल्दी आप पुराने चीजों को छोड़ेंगे उतना जल्दी आप नए चीजों को ढूंढ पाएंगे। क्या होता है कि पुरानी चीजें जो है ना वो जगह ऑक्यूपाई कर लेती है, हमारी बहुत कंप्लेंट्स रहती है पुरानी चीजों की तरफ, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, नया हमको ढूंढने का नहीं, क्योंकि नया मिलता नहीं, नया कब मिलेगा, जब आप पुरानी चीजों को छोड़ देंगे। तो पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, वो जगह छोड़नी पड़ती है, अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो नई चीज मिल जाती है। आपका चीज आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ज्यादा आप उसे जकड़ जाते हो, जितना ज्यादा महत्व का है, जितना ज्यादा उसमें आप इमोशंस डाल देते हो, जितना प्यार दे देते हो वहां, जितना ज्यादा होगा इमोशनल इन्वायरमेंट उतना उसको छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है।
फिर उसने इनसाइड में और लिखा है, पुराने विश्वास आपको नई चीज के पास नहीं ले जा सकते। यदि पुराने विश्वास है, कुछ पुराने बिलीव्स है, वो आपको नई चीज के तरफ लेकर नहीं जाएंगे। चीज एक दिन में थोड़ी गायब हुआ हो, वो धीरे धीरे पहले से ही कम होते रहा, मगर हमने पहले देखा नहीं। तो फिर निकलना था बाहर तो इतना टाइम लगा दिया निकलने को, वहीं अटके रहे। वो हा जो है वो अकेला निकला, हम तो निकला ही नहीं। तो बोलता है कि मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, मैं पहले क्यों नहीं जल्दी बाहर निकल गया, वहां से पहले निकलना था, मैंने फालतू टाइम पास किया। तो फिर उसने और जाके आगे लिखा कि यदि आप डरते नहीं हो तो आप क्या करते हो। यदि आप कोई चीज से डरते नहीं, ये डर रहा था बाहर निकलने को, ये डर रहा था अपनी जगह छोड़ने को, ये डर रहा था नई चीज ढूंढने को, वो डरते नहीं तो आप क्या करते थे भाई, क्या क्या संभव है यदि आप डरते नहीं है तो। उसने सोच के बारे में लिखा है कि जब आप यह बदलते हो कि आप क्या सोचते हो, तो फिर यह भी बदलता है कि आप क्या करते हो। तो आपका जो करना है, आपकी जो एक्शंस है, वो एक्शंस आपके सोच के ऊपर निर्भर है। तो आपका सोच जो है, आपका परसेप्शन, वो आप जब बदलेंगे तो आपकी एक्शन भी बदल जाएगी। हॉ ने जब वो नया चीज स्टेशन ढूंढ लिया था, तो उसके पहले उसने इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया। तो उसने लिखा कि हमको जो चीज चाहिए उसके लिए हमने इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमको बहुत अच्छी चीज मिल सकती है, जो हम चाहते हैं वो मिल सकती है। फिर उसने यह भी लिखा है कि आपको डर से बाहर कोई निकाल सकता तो खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब एक ही व्यक्ति आपको डर से बाहर निकाल सकता है, और वो आप खुद, आपको कोई अगर बाहर निकाल सकता नहीं है। चेंज इज एवरीथिंग विच इज परमानेंट, चेंज होता ही है। तो हमको क्या करना है, उसका प्रेडिक्ट करते रहना है कि क्या चेंज हो सकता है, और जैसा चेंज हो गया उसको अडॉप्ट करते जाना है। IQ इंटेलिजेंस की एक व्याख्या है कि भाई आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, वो आप कितने जल्दी नई जगह पे नई चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं उसके ऊपर आपकी बुद्धिमत्ता है। हेम ने क्या किया, वहीं बैठा रहा, मरे तक वहीं मर गया, निकला ही नहीं वहां से। एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल है, उसको ओवर कॉम्प्लिकेट और एनालाइज करना कोई जरूरी नहीं है। सीधा वहां से निकल जाना और ढूंढना चीज, मगर उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया उसने, ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया, ओवर एनालाइज कर दिया। तो परिवर्तन जो है वो आपको होना ही है, चेंज होना ही है, और उसका सबसे विरोधी कौन है, तो आप खुद ही है। आप ये समझ जाओ कि बाहर चीज तो है ही, आपको जल्दी से जल्दी जहां अटके हुए वहां से निकलना है, क्योंकि आप निकल जाओगे तो बाहर तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। मगर आपको जब तक आप निकलते नहीं हो या समझ जाते नहीं हो, तो फिर आपको नई चीज मिलेंगी नहीं। तो उसने लिखा है बाहर न्यू चीज होगा ही, आप जल्दी से समझ जाओ या देरी से, वो तो वही बाहर हमेशा नई चीज मौजूद होती है, चाहे उसे आप पहचान पाए या नहीं। अपॉर्चुनिटी बाहर रहती है, आप अपॉर्चुनिटी को पहचान दे या नहीं पहचान दे, आपके ऊपर है। कभी कभी हमको लगता है कि हमने बहुत देर कर दिया, तो ठीक है। उसने लिखा है कि कभी नहीं से देर भली, मतलब जाने ही नहीं, उसके बदले चलो देर तो देर, हरकत नहीं, निकलते जाओ। अभी उसने एक लेसन ले लिया पूरे इसमें से, उसने हॉने डिसाइड कर लिया कि अभी वो चीज खाने के बाद रोज देखेगा कि क्या बदल रहा है, ताकि फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी उसने वहां से लेसन ले लिया कि अभी मैं इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि एक बार चीज स्टेशन मिल गया, अब देखना ही नहीं, रोज देखूंगा, रोज उसको सतर्क रहूंगा कि क्या हो रहा है, ताकि फिर से ऐसी नौबत मेरी जिंदगी में आएंगी नहीं। उसमें यह भी लिखा कि स्मेल द चीज ऑफन सो दैट यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्डर एंड स्टेल। वो चीज जो है वो बार बार सूंघो तो आपको समझ जाएगा कि वो कितना बासा हो गया है और कितना पुराना हो गया है, ये आपको समझ में आ जाएगा, उसका बास भी आ जाएगा। हरदम आपको ये रखना पड़ेगा दिमाग में कि बदलाव हो रहा है, कौन सा बदलाव हो रहा है, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको एडॉप्ट करना चाहिए। छोटे छोटे परिवर्तन देखते रहे, ताकि बड़े परिवर्तन जो है उसके लिए आप तैयार हो। क्या होता है कि छोटे छोटे चीजें रहते हैं, छोटी छोटी चीजें बदलती रहती है, उसको हम देखते नहीं, नज़रअंदाज कर देते, उसको बोलते हैं येलो अलर्ट्स। येलो अलर्ट की तरफ हम देखते नहीं है, और बाद में फिर येलो अलर्ट जो है वो तकलीफ देते हैं, क्योंकि बाद में वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। जब से हॉने ये देखा कि भाई अरे मैं गलती कर रहा हूँ, और वो अपने आप के ऊपर हंसना चालू किया उसने,
अरे मैं तो गलती कर रहा हूँ, रोज उठाऊँ उठ रहा हूँ जा रहा हूँ, जब मालूम है कि अभी चीज़ निकल गया पहले वाला, वहाँ जा रहे बैठ रहे देख रहे, कोई लाके देगा कोई लाके देगा, कोई लाके तो नहीं दे रहा, तो उसने अपने आपके ऊपर हंसना चालू किया। और जब उसने हंसना सीख लिया कि वह क्या गलत कर रहा है, उसने बदलना शुरू किया। खुद के गलतियों पर खुद हंसो और बाहर निकलो। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, चांस है कि तुम विलुप्त हो जाओगे, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। तो इस तरह का उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई है, कुछ और एक दो बाकी है वो आपको बताता हूँ। कि दोबारा उसने ये भी लिखा कि दोबारा मैं कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो मैं हिचकिच करूँगा नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, तुरंत एक्शन लूँगा। कंफर्ट जोन जल्दी छोड़ना पड़ता है। परिवर्तन होना स्वाभाविक है और सुनिश्चित है, आप चाहे या न चाहे। तो आप हरदम तैयार रहे परिवर्तन होने के लिए, परिवर्तन होना ही है, सुनिश्चित है और आपको तैयार होना है। तो ये आप अपने जीवन में अपनाते हैं और आपके बिजनेस को, आपके रोज के लाइफ को ये लाते हैं, अपनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा अप्लीकेबल है, तो आपको बहुत बड़े ब्रेक थ्रू मिलेंगे। पूरा चेंज जो है उसके ऊपर ये किताब है। चेंज होना स्वाभाविक है, परिवर्तन तो होना ही है। आपको आज जो कर रहे हैं वो हो सकता है कि साल भर के, दो साल के, तीन साल के बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इरेलेवेंट हो जाएगा। आपको तैयार होना है कि रोज क्या बदलते रहेंगे। नोकिया नहीं बदला तो उसका भुगतना पड़ा। नोकिया फोन एक ऐसा टाइम आ गया कि खत्म हो गया जो मार्केट लीडर था। फियाट कार थी जो मार्केट लीडर थी, एम्बेसडर मार्केट लीडर थी, बदले नहीं, बंद। कोडाक फिल्म मार्केट लीडर, बदल रहा है मार्केट, नहीं बोले हम बदलेंगे नहीं, हमारा तो नंबर वन का सेल है फिल्म का, कैमरा की फिल्म, बदले नहीं, खलास। दूरदर्शन देखो ना, सबसे पहले चालू हो गया, बदले नहीं, काफ़ी सारे चैनल्स खुल गए नए 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 नए, और दूरदर्शन कब मर गया, कब पीछे हो गया मालूम भी नहीं पड़ा। तो ऐसे काफ़ी सारी बातें होती रहती है। चेंज को अडॉप्ट करना जरूरी है। चेंज नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ये आपको भी अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। प्ले स्टोर पे जाकर आप डॉक्टर केकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं और कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर हमको कॉल करो, मुझे अपॉइंटमेंट लो, ऑनलाइन आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।